हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच कैन बी मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर योर सीजीपीएससी 2022 एग्जाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। तो आपका क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो कैपिटल सिटी मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? रायपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वन है फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1862 एंड स्टेटमेंट टू है मेड अ डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इन 1861। तो रायपुर कब बना था? 1861 में बना था और डिवीजन कब बनाया गया था? 1862 में बनाया गया था। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, बोथ आर इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्ड करेक्टली। ठीक है, देखिए सिलतरा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर एंड उरला फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बालू। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका, नो एविडेंसेस ऑफ स्टोन एज फाउंड इन बालू। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है क्योंकि चिरचारी सोरल करकाभाटा से स्टोन एज के एविडेंसेस मिले हैं। ऑप्शन बी, बालू टचेस द बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि बालू देख लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन सी इज आयरन ओर फाउंड इन दल्ली राजरा। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी क्या है, मदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालू इज राजनांदगांव। तो मदर डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका? दुर्ग है, राजनांदगांव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो फर्स्ट है आपका गंगा मैया जो कि कहाँ है? झलमला में है, बालू। कुकुरदेव टेम्पल ये आपका कुलिया में है क्या? नहीं, खपरी में है। और कॉइन्स ऑफ स्तंभराज मिले हैं हमको कुलिया से, तो ये इंटरचेंज किया गया है ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन वन इज ओनली करेक्ट, तो ए वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खरखरा डैम इज द फर्स्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तांदुला डैम इज द फर्स्ट डैम मेड अप ऑफ सॉइल इन छत्तीसगढ़। तो खरखरा डैम जो है वो पहला मिट्टी से बना हुआ डैम था जिसको 1967 में बनाया गया था, और तांदुला डैम जो है वो पहला डैम है छत्तीसगढ़ का जो कि 1913 में बनाया गया था, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, सो नाइदर वन नॉर टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं हमको किसके बारे में? बिलासपुर के बारे में, ठीक है। सो बिलासपुर वॉज मेड अ डिविजन इन 1956, ओके। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अरपा रिवर, ठीक है। 19th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश इन बोर्डरी विलेज बिलासपुर। तो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, गज फोर्ट। अब हमको बताना है कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है, मैच करती है कि नहीं। तो गज फोर्ट आपका रतनपुर में है, पातालेश्वर टेम्पल कहाँ है? मल्हार में, देवरानी जेठानी टेम्पल आपका तालागांव में है। तो तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं, तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग बर्ड फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। तो बर्ड फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज किया गया था गिधवा परसदा विलेज ऑफ बेमेतरा, कब से कब तक? 31st to 2nd Feb 2021, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बस्तर दशहरा। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 75 days, ओके। स्टार्टेड फ्रॉम हरेली अमावस्या, ये भी ठीक है, बस्तर का दशहरा हमें हरेली अमावस्या के दिन से सेलिब्रेट करना शुरू किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे पूछा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली द स्टैचू ऑफ झाड़ासिरा इज अनवील्ड एट विच प्लेस। ठीक है, तो झाड़ासिरा की स्टैचू अभी रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री बघेल ने अनवील की है, किस जगह पे की है?
तो मैरिटर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जगदलपुर में इन्होंने ये स्टैचू अनवील की है, याद रखिएगा। ये अभी करेंट का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग। बलौदा बाजार वॉज अ पार्ट ऑफ रायपुर बिफोर 2012, इट इज कॉल्ड सीमेंट हब ऑफ छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल सही है, बलौदा बाजार 2012 से पहले रायपुर का पार्ट था और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रीज है, इसलिए इसको सीमेंट हब ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वीर नारायण सिंह। अब वीर नारायण सिंह कौन थे? सोना खान के जमींदार थे, तो उनके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं, वीर नारायण सिंह वॉज द जमींदार ऑफ सोना खान, ये तो करेक्ट है। ही इज नोन एज द फर्स्ट मैटर ऑफ छत्तीसगढ़, उनको छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कहा जाता है, ये भी ठीक है। ही बिलोंग्स टू बिरहो ट्राइब, वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? बिरहो ट्राइब से करते थे क्या? नहीं, वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? बिंझुआर ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। ऑन हिज मेमरी एवरी ईयर सोना खान महोत्सव इज ऑर्गेनाइज, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ सेकेंड जियोथर्मल प्लांट इज प्रपोज, तो कहाँ पर सेकेंड जियोथर्मल प्लांट प्रपोज किया गया है? तातापानी आपका बलरामपुर जिले में है, वहां पर प्रपोज किया गया है। पहला कहाँ पर है? पूगा वैली लद्दाख में आपका फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट इंडिया का बनाया गया है, याद रखिएगा। 14th क्वेश्चन देखते हैं हम, ओके सो Which of the following are correct regarding दुर्ग? दुर्ग के regarding correct statement कौन सा है? देखिएगा, established by जयराज of शरबपुर dynasty, okay? It became an administrative district in 1905. It is the smallest division of छत्तीसगढ़। तो इसको administrative district कब बनाया गया था? 1906 में बनाया गया था। 1905 में आपका division of Bengal हुआ था और 1906 में उसको बनाया गया था एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट दुर्ग को, ठीक है। तो और ये छत्तीसगढ़ का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है। सो ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग बीएसपी। बीएसपी मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? भिलाई स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेकेंड फाइव ईयर प्लान, इसको 1956 से 59 के आसपास ये एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। Established with the help of Germany, तो नहीं, ये रशिया के हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? वन ओनली। अब नंबर 16 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन ऑन रिवर्स। सो फर्स्ट इज दुर्ग, दुर्ग है आपका शिवनाथ नदी के किनारे, ठीक है। तरी घाट आपका खारून के किनारे, ये भी ठीक है। नगपुरा आपका शिवनाथ के किनारे, तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, धमतरी बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट इन 1998, ओके। इट इज अ लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, नहीं, ये ओडिशा की बाउंड्री को टच करता है, एकदम थोड़ी सी, ये सबसे कम इंटरस्टेट बाउंड्री शेयर करता है ओडिशा के साथ। महानदी आपकी शिहावा माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन सी 1 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पंडित रविशंकर रिजर्वायर। इट इज बिल्ड ऑन महानदी रिवर, ठीक है, मतलब हम गंगरेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। गंगरेल डैम जो धमतरी में है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी ठीक है। कितना है इसकी लेंथ? 1320 मीटर। इट प्रोड्यूसेस 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट बोधघाट प्रोजेक्ट। बोधघाट प्रोजेक्ट कहाँ है? दंतेवाड़ा में है, ठीक है। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में। इसको बनाया गया है इंद्रावती रिवर पे, ओके। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट टू सुकमा, बस्तर, बीजापुर एंड दंतेवाड़ा। तो बस्तर को नहीं, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। बस्तर में आपका कोसार टेढ़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है, सो ऑप्शन टू इज नॉट करेक्ट। तो वन ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन गरियाबंद।
सो डायमंड मिलता है आपका, एलेक्जेंड्राइट भी मिलता है, गार्नेट भी मिलता है, डोलोमाइट एंड कोल नहीं मिलता है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 1, 2, 3, 2 and 4, 4 and 5। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव लोचन टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टाइल। सो पंचायतन स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झोजा वाटरफॉल आपका किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो कहाँ पे है, गौरेला पिंडरा मरवाही डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्ड करेक्टली। अब देखेंगे मेले हैं ये कब कहाँ पर मनाया जाता है। तो दलहा माउंटेन का मेला आपका नागपंचमी को लगता है, ओके। लखन घाट का मेला मकर संक्रांति को लगता है, ठीक है। कुटी घाट का मेला आपका बसंत पंचमी को लगता है, ठीक है। सो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग जांजगीर। अब जांजगीर के बारे में हमको करेक्ट बताना है। Established by जाजल देव ऑफ पांडू डायनेस्टी। तो जाजल देव पांडू डायनेस्टी के नहीं थे, कलचुरी डायनेस्टी के थे, तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, जाजल देव एस्टेब्लिश्ड विष्णु टेम्पल इन जांजगीर, तो ये करेक्ट है। सो ऑप्शन बी, 2.0। द लास्ट क्वेश्चन इज, सोरग्र अघोर आश्रम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अघोरेश्वर जी का जो आश्रम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो हमारा ये कहाँ पर है, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, भरतपुर, कहाँ है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये थी बात आपकी कुछ MCQs जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो हम और कुछ MCQs के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।